हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवन पंजाबी तड़का। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मूंग दाल का चिला। बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस और वेट लॉस में भी बहुत ही काम करता है ये। तो फर्स्ट हमने लिया है बटर। हम उसमें डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स जो आपके पास अवेलेबल है, आप सब वेजिटेबल्स डाल सकते हो उसमें। मैंने कैप्सिकम, ओनियन और टमाटो और पनीर का यूज़ किया है इसमें। आप चाहे तो उसमें बेबी कॉर्न या फिर बीन्स, कैरेट सब यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिक से मसाले डालेंगे, हल्दी, नमक, मिर्च। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जो वेजिटेबल्स हैं उनको एकदम हाई फ्लेम पे कुक करना है। लास्ट में हम लोग इसमें पनीर ऐड करेंगे, क्योंकि पनीर को ज़्यादा कुक करेंगे तो एकदम से सॉफ्ट हो जाता है। तो इसको लास्ट में हम लोग अच्छे हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। तो इस तरह से 70% हमने पका लेनी है सब्जियाँ। तो मैंने मूंग दाल ली थी एक कटोरी, रात भर इसको भिगो के रखा है। और एक चम्मच के करीब बेसन है, और ये बेसिक से मसाला मतलब मिर्च और अदरक है। तो अभी हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। आप चाहे तो इसमें पालक का भी यूज़ कर सकते हैं। इस टाइम पे जब आप ग्राइंड करोगे तो थोड़ा सा इसमें पालक डाल सकते हैं। तो एक चम्मच के करीब मैंने इसमें बेसन और हरी मिर्ची और अदरक और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। और पानी इसमें बहुत कम यूज़ करना है, और इसे एक थिक सा पेस्ट बना लेना है। अच्छे से ग्राइंड कर लेना है इसको, पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से एक थिक पेस्ट बन जाएगा इसका। आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, नमक कम है या ज़्यादा तो आप इसमें थोड़ा भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी और मिर्ची। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। तो अभी हम तवे को अच्छे से गर्म करेंगे और इस पर डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और जो मूंग का पेस्ट है इसको इस पर डालेंगे। एक ही डायरेक्शन में इसको हम लोगों ने रोटेट करना है। तो इसको हम लोगों को अच्छे से पका लेना है, दोनों तरफ से पकाना है इसको। बीच बीच में इसमें चेक करते रहिएगा। अभी हम इसको पलट देंगे। तो ये देखिए, इसमें लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है ये, और ये अच्छे से पक चुका है। अब दोनों साइड से पकाने के बाद जो हमने इस पर वेजिटेबल्स टॉपिंग करनी है, तो हाफ में आप इसमें वेजिटेबल्स डाल सकते हो। और अगर आपको स्पाइसी खाना है तो थोड़ा सा चटपटा बनाना है तो मैं इसमें सेजवान सॉस का ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें नॉर्मल सॉसेस का भी, टमाटो सॉस का यूज़ कर सकते हो, और थोड़ा सा इसमें चीज़ डाल सकते हो, और इसको इस तरह से सर्व कर सकते हो आप एकदम हेल्दी डिलीशियस ब्रेकफास्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी के लिए बने रही मेरे चैनल एवन।